Hello students, this is Sukhdev sir from Arpan International School. I hope you all are doing well at home. Students, in the previous video we have started elements of account subject of your 11th standard and started the chapter number 1, accounting and its terminologies. In that video we have discussed the human background that in the past time, मतलब पहले के टाइम पर जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो अपने नीड्स को किस तरह से पूरा किया करते थे और अपनी पर्टिकुलर लिमिटेशंस की वजह से दूसरे लोगों की हेल्प लेकर अपने ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। चलो देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है वो सारी की सारी सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक नीड्स की बिहाफ पर है। उन सभी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ह्यूमंस जो है हमेशा किसी न किसी की हेल्प लेता रहता है। और हमने क्या देखा था कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन किस तरह से था, मतलब जो ह्यूमंस था स्टार्टिंग से पहले मंकी टू मैन किस तरह से बना, पहले बंदर था, बंदर से फिर ह्यूमन का उसका कन्वर्जन हुआ। तो ये कन्वर्जन जो है स्टार्टिंग बार्टर सिस्टम से होते होते मनी तक किस तरह से पहुंचा था ये हमने देखा था। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम की जो डेफिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मीन्स अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है लेकिन आपके पास उसको एक्सचेंज करने के लिए या फिर उसके बदले में अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है लेकिन आपको बदले में पैसे हैं नहीं आपके पास, तो पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, अपने पास जो चीज़ है उसको देकर उसको जो चाहिए होती वो चीज़ दूसरे से ले लिया करते थे। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, दो पर्टिकुलर पर्सन्स खड़े हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे, थिंग्स वर एक्सचेंज, लेकिन इनके पास पैसे उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, इस तरीके से वो एक्सचेंज किया करते थे। अगर मान लो किसी के पास ग्रेन है, पर्टिकुलर दूसरा पर्सन सामने खड़ा है, उसके पास कोई दूसरी वस्तु है, तो आपस में ये लोग एक्सचेंज कर लेते थे और इसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी धीमे धीमे करके, धीरे धीरे ग्रेजुअली द मनी केम इनटू एक्जिस्टेंस। ह्यूमन सिविलाइजेशन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो मनी है वो किस तरह से आने लगी, लाइक मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, कॉइन्स, करेंसी नोट्स और अभी ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी चल रहा है। तो ये जो मनी का जो डेवलपमेंट है, मनी के डेवलपमेंट के साथ साथ में जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हुआ। आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज्ड रैपिडली। अब जैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके लिए बताई थी कि इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन की जो नीड्स है, एक मनुष्य की नीड्स है, वो अकेले अपने लिमिटेशन की वजह से पूरा नहीं कर सकता है, तो उसको किसी न किसी के साथ ट्रांजेक्शन, लेन देन करना पड़ता है। और लेन देन अगर, ट्रांजेक्शन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। इसलिए अकाउंट का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाद में मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, एज़ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो AICPA है उनकी डेफिनेशन दी हुई है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जो सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो, जितने भी लेन देन हैं, उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और क्लासिफाइंग का मतलब होता है, देखो किसी के साथ भी तुम लेन देन करते हो तो किसी को अगर मान लो कुछ सेल किया हो, परचेज किया हो, मीन्स अपने प्रोडक्ट को बाय करें, सेल करें, इनकम हो रही हो, एक्सपेंस हो रहा हो, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो तो उनको क्लासीफाई कैसे करना है। और समराइजिंग मतलब इन शॉर्ट फॉर्म, अगर मान लो कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है तो उनको हम लर्न नहीं कर सकते हैं, उनको ध्यान में अपने नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके समराइज करके रखते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर।
मतलब एक पर्टिकुलर एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ मीन्स किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए मनी के फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि मनी के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता नहीं है। बराबर समझ गए होंगे आप ये डेफिनेशन। मैंने आपको बोला था 4 to 5 times इसको रीड करना, अच्छे से लर्न कर लेना, होम वर्क भी यही दिया था आपको। चलो तो यहाँ तक अपना लास्ट वीडियो था, अब यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं आज का। इसके अंदर आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, फाइनेंशियल वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल का मतलब होता है कि अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स ऑफ इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनिटरी वैल्यू। मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन या जितनी भी लेन देन आप करते हो उसका मेजरमेंट किस में होना चाहिए, मनी फॉर्म में होना चाहिए। सपोज यू हैव परचेज्ड 5 kg ऑफ शुगर फॉर ₹500। आपने 500 रुपीज़ में 5 kg शुगर परचेज किया है तो 500 जो है वो क्या हो गया, फाइनेंशियल वैल्यू हो गया। बराबर, तो अकाउंटिंग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी जो वैल्यू है हमेशा कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक वाली होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे पुराने टाइम में जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम पे लोग बाटर सिस्टम का यूज़ करते थे, लेकिन अभी मनी जो है फॉर्म में आ चुका है, ट्रेंड में चल रहा है। तो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, लाइक अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो या किसी लैंड का पर आप सेल करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है आपका मनी होना चाहिए। अगर आप मान लो कि यू हैव परचेज्ड अ लैंड ऑफ ₹5 lakh, आपने 5 lakh का लैंड परचेज किया है, तो लैंड के बदले में आप क्या दोगे, उसको पैसा दोगे। मतलब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होना चाहिए, मनी। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अलग अलग टाइप की लेन देन अकाउंट में होती रहती है, वो कैश भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अगर रेगुलर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा सा उधार रख लो, बाद में ले लेना, रोज़ का आना जाना रहता है, मैं आपको 7 दिन बाद 10 दिन बाद दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, कैश टू कैश भी होती है, और कुछ लोगों के साथ रिलेशन अच्छे हों तो क्रेडिट बेस भी, मतलब उधार में भी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है सबका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार रहा, किसका कितना पेमेंट हो गया, किसके पास से कितना लेना बाकी है, इन सबका एनालाइज करना ज़रूरी है। अगर ट्रांजेक्शन को एनालाइज नहीं करोगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। फोर्थ वन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब किसी भी ट्रांजेक्शन का इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक रिजल्ट डिक्लेयर करना, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे हमको लॉस तो नहीं हुआ ना, कितना बेनिफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ता है, तभी बिजनेस में आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद का जो है वो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब इसमें हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, मनी फॉर्म में होती है, तो इंफॉर्मेटिव होगा, मतलब उसको आप कभी भी यूज़ में ले सकते हो, इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो अकाउंटिंग पे सूट करता है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक डिसीजन। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा जितना अभी तक आपने ट्रांजेक्शन्स लेन देन जितने लोगों के साथ किए वो सारा रिकॉर्ड रहेगा, तो आप किसी भी टाइप का डिसीजन उसके बेस पे ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना हो तो अभी तक का जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है अगर वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा तो उसको आप देखकर एक अपना कंक्लूजन निकाल के और उसके बाद में आप कुछ भी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। लास्ट वन जो है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब जो लिखा हुआ होगा उसको हम देख सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। कि मान लो कि अगर बहुत सारे कस्टमर्स तुम्हारे पास में आते जाते रहते हैं, सबके नाम आपको याद नहीं रहते हैं,
इन फ्यूचर बिजनेस आपका काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 4 to 5 years, आफ्टर 10 years कोई कस्टमर आता है जो आपके पास पहले ट्रांजेक्शन जिसका हुआ करता था, अगर आपके माइंड में नहीं रह सकता है इतना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का वो रिलेशन हो, लेकिन अगर उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, रिकॉर्डेड होगा, तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो ये जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है अगर रिकॉर्डेड होगी तो आपको लाइफ में फ्यूचर में काम आती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं और नोट डाउन भी कर लेने हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद में क्या आता है। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग साइकिल। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, पूरी की पूरी क्या है, पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग की, सॉरी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग, ये लिखा हुआ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देखने जाओ आप तो सबसे पहले आपको किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उस ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मीन्स उसको लिख के रखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के बाद में आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको क्लासीफाई करते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन में देखो, मान लो कि आपने परचेस किया है या फिर आपने सेल किया है, तो परचेस का अलग होना चाहिए, सेल का अलग होना चाहिए, आपकी इनकम हो रही है, आपका एक्सपेंस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप क्या कर लोगे, क्लासीफाई कर लोगे, और क्लासीफाई करने के बाद में आप क्या करोगे, उसको एनालिसिस करोगे। उसका एनालिसिस मतलब लाइक आपको, आपने किसी को उधार बहुत सारा सेल कर रखा है तो जितने भी कस्टमर्स हैं देखना पड़ेगा किस कस्टमर को कितना आपने क्रेडिट सेल कर रखा है, तो क्रेडिट सेल का अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो कलेक्शन कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी चेक हो जाएगा। क्रेडिटर्स या सप्लायर्स जो आपके बिजनेस के हैं वो सारे के सारों को पेमेंट कब करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको एनालिसिस के थ्रू पता चल जाती है। एनालिसिस करने के बाद में आपको कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन मतलब फाइनल, जो आप लाइक रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन के बाद एनालिसिस हुआ, किसी भी चीज़ का एनालाइज करने के बाद में आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। लाइक 5 lakh का आउटस्टैंडिंग कलेक्शन था, या आपको एनालाइज करने के बाद पता चला, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि यार इतना सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो इसको कैसे आप कलेक्ट करोगे, तो इस तरह से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब कंक्लूजन निकालने के बाद आप उसके ऊपर वर्क करोगे, वर्क का क्या रिजल्ट आता है वो रिजल्ट देखना, मतलब आप उसको इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रिटेशन होगा, और इंटरप्रिटेशन हो जाने के बाद स्टूडेंट्स लास्ट में आपको क्या रहेगा, रिपोर्टिंग निकालना रहेगा। क्या रहेगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करना मतलब जितने भी आपके ऊपर के जो भी है लाइक बिजनेस में आपकी जो अथॉरिटीज है उसको आप रिपोर्ट सेंड करोगे, जो बिजनेस का ओनर है या फिर जो भी मैनेजमेंट स्टाफ है उसको आप सेंड करोगे, तो उसके पास ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो था आपका, ये है अकाउंटिंग सर्कल। क्या है इसको, क्या बोलते हैं अपने, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से, सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग करना रहता है, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद में एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले तो जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था उसका एक बार फिर से रिविज़न किया है, आप भी अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग जो होता है वो मीनिंग देखा। मीनिंग के बाद में वी हैव लर्नड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देन वी हैव स्टडीड अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंट जो है उसका साइकिल किस तरह से काम करता है वो देखा है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।